हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज़ 10 के अपडेट्स को आप परमानेंटली कैसे डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही एक आसान तरीका बताने वाला हूँ, कोई कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो यहाँ पर आपको टाइप हियर टू सर्च में जाना है। ओके, टाइप हियर टू सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्विसेज टाइप करना है, SERVICES। सर्विसेज टाइप करने के बाद यहाँ पर राइट में एक ऑप्शन आएगा रन एस एडमिनिस्ट्रेटर, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस आएगा, तो यहाँ पर नीचे जाना है और आपको ढूंढना है विंडोज अपडेट। तो नीचे जाने के बाद ओके, तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर विंडोज अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टार्टअप टाइप यहाँ पर डिसेबल मैंने पहले से करके रखा है। आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में यहाँ पर इधर ऑटोमेटिक और मैनुअल होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिसेबल करना है। और यहाँ पर सर्विस स्टेटस स्टार्ट लिखा होगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद यहाँ पर अप्लाई और ओके करना है, बस उतना ही करना है। और उसके बाद आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप को एक बार रिस्टार्ट करना है, बस आपका कंप्यूटर में विंडोज़ 10 का जो अपडेट है डाउनलोड होना बंद हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।